तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑफ फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लास्ट यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर फिफ्थ। और इसमें सबसे पहला यूनिट आपका आता है नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम क्या होता है। आज बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, और अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम इसका कन्वर्जन देखेंगे किस तरीके से हम लोग बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, या फिर उसको डेसिमल में या फिर हेक्सा डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उनका सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ओके, तो बने रहिएगा अंत तक। साथ ही साथ प्लेलिस्ट अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो जैसे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। और सारी चीजों को आप लोग लिखते चलिएगा ताकि जो नोट्स है वो आपका तैयार होता रहेगा, क्योंकि नोट से आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जनरली इन एनी नंबर सिस्टम देयर इज एन ऑर्डर सेट ऑफ सिंबल कॉल्ड डिजिट, यानी कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्डर सेट होते हैं सिंबल के तौर पे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं, जिनका यूज बेसिकली विच आर यूज टू स्पेसिफाई एनी नंबर, यानी जो बेसिकली किसी भी नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द डिजिट्स आर डिफाइंड फॉर परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्स्ट्रेक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, यानी जो भी डिजिट्स यूज किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके लिए किए जाते हैं, जैसे आपका एडिशन है या फिर सब्स्ट्रेक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिविजन है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए डिजिट्स का होना बेहद जरूरी होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ दीज डिजिट्स फॉर्म अ नंबर विच इज जनरल हैज टू पार्ट, यानी जो भी कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होते हैं जो एक नंबर को फॉर्म करते हैं वो बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका होता है इंटीजर पार्ट एंड दूसरा आपका होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट यानी जो जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहता, और फ्रैक्शनल पार्ट जिसमें डेसिमल पॉइंट रहता है। इज दैट क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें तो मेनली चार प्रकार के नंबर सिस्टम आपको इस सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं इसके शॉर्ट टर्म डेफिनेशन की बात करूं तो वैसा नंबर सिस्टम जिसका कह सकते हैं कि जो बाइनरी यानी जिसके बेस में क्या हो, टू हो, वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। जिस नंबर सिस्टम के बेस में एट हो वो आपका क्या कहलाता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है। और जिस नंबर सिस्टम के अंदर बेस के अंदर टेन हो, यानी डेसिमल यानी टेन, बेस टेन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। और अगर बेस में 16 रहता है, क्योंकि हेक्सा का मतलब होता है 16, अगर 16 रहता है बेस में तो वो क्या कहलाता है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। तो ये शॉर्ट टर्म डेफिनेशन तो आपका हो गया, आइए थोड़े से लॉन्ग टर्म डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पॉपुलर ये टॉपिक्स हैं, और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग उसका कन्वर्जन जानेंगे। और जितने भी आपको नंबर सिस्टम दिख रहे हैं इनके सारे एग्जाम्पल्स हम लास्ट में लेने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ पोजिशनल वेट सिस्टम, यानी एक प्रकार का पोजिशनल वेट सिस्टम होता है, यानी जो जो पोजिशन को रिप्रेजेंटेट करने का काम करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज टू, यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, टू होता है, जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया। और ओनली टू सिंबल्स नेमली, यानी केवल दो ही सिंबल्स यूज किए जाते हैं जिनका नाम क्या है, जीरो एंड वन आर यूज इन दिस सिस्टम, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर केवल जीरो और वन का ही यूज किया जाता है। एंड दीज आर कॉल्ड बिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बिट्स भी कहते हैं कई बार, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो बिट्स के फॉर्म में काम करता है, यानी जीरो और वन के फॉर्म में काम करता है, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो बिट्स भी रखा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द बाइनरी नंबर सिस्टम अ ग्रुप ऑफ फोर डिजिट्स फोर बिट्स कॉल्ड निबल, यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें जो फोर बिट्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ एट बिट्स इज कॉल्ड बाइट, और साथ ही साथ जो एट ग्रुप के जो एट बाइट्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसका एग्जाम्पल हम लास्ट में देखेंगे चारों नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल्स को। अगला आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वेट सिस्टम, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, एक पोजिशनल वेट नंबर सिस्टम कहलाता है। और अगर हम इसकी बात करें नंबर सिस्टम जो डिजिट्स को यूज करेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसमें मेनली आपके आठ डिजिट्स होते हैं जीरो से लेकर सेवन तक, यानी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके, एंड द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज एट, और इस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, एट होता है, यानी जीरो से लेकर सेवन तक के डिजिट्स इसके अंदर यूज किए जाएंगे। Is that clear?
अगला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि इट इज अ पोजिशनल वेट सिस्टम विच मीन्स दैट द वैल्यू अटैच टू अ सिंबल डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द डेसिमल पॉइंट। यानी ये एक प्रकार का पोजिशनल वेट सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू अटैच होंगे, जो सिंबल डिपेंड होगा इसके लोकेशन पे, वो किसके रिस्पेक्ट होगा? डेसिमल पॉइंट के रिस्पेक्ट होगा। और अगर हम इसके अनदर पॉइंट की बात करें तो इसमें कह रहा है कि द डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेंट्स 10 यूनिक सिंबल्स। यानी जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक के सिंबल को कैरी करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, और अगर हम इसकी बेस की बात करें तो इसका बेस कितना होता है, इसके बेस में आपका 10 मिलेगा। इज दैट क्लियर? अगला है जो कि लास्ट आपका है, वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है हेक्सा यानी 16। तो जिसके बेस में 16, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहने का मतलब है कि जिसकी बेस में 16 रहे या फिर 16 सैंपल्स का ये कॉम्बिनेशन होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब वो 16 सैंपल क्या होते हैं, उन सैंपल के बारे में हम लोग विशेष करके जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो 16 सैंपल क्या होते हैं, किस तरीके से वो 16 सैंपल यूज हो रहा है। तो इसमें 16 सैंपल के तौर पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और साथ ही साथ 9 के बाद आपका चेंज हो रहा है, यानी ए बी सी डी ई है। यानी 9 मतलब क्या 10, ए मतलब क्या 11, 12, 13, 14, 15, और इसमें एफ भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के पूरे कन्वर्जन को अच्छी तरीके से देख लिया। ये इसका एग्जांपल है। इस प्रकार का अगर कोई फॉर्मेट दिया रहेगा तो ये क्या है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मेट दिया है, अगर बेस में आपके 10 लिखा है तो वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर बेस में 8 लिखता है तो वो क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और अगर बेस में 16 लिखता है तो वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो कन्वर्जन होता है नंबर सिस्टम का, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बस बने रहिएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।